कभी दोस्ता है, तो ये लोग मेहमान बोलोगे तो हार चुके हैं, जनता ने हराया इनको। एक मुख्यमंत्री, उसे टिकट मांगनी पड़ रही हो अपनी पार्टी से, हमें यहाँ से लड़ना है, यहाँ से लड़ना है, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया, जैसे लखनऊ आए दोबारा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे पर निकले अखिलेश और जयंत अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से अखिलेश यादव ने चुनावी बिगुल बजा दिया है, उन्हें जयंत का साथ बहुत भा रहा है। इस चुनाव को अखिलेश ने भाईचारे का नाम दिया है और भाजपा के हिंदू मुस्लिम एजेंडे से इतर विकास की साइकिल दौड़ाने का वायदा करते हुए उन्होंने कहा है कि लोग उम्मीद भी नहीं करेंगे जिन संकल्पों को हम लेकर चल रहे हैं, वो सभी को जोड़ने वाला है। किसान, युवा, महिलाएं या फिर किसी भी जाति या धर्म का कोई व्यक्ति क्यों न हो, अनदेखी किसी की नहीं की जाएगी। गाजियाबाद और गढ़मुक्तेश्वर की प्रेस वार्ता में हजारों की भीड़ ये बता रही थी कि किस तरह लोगों का समर्थन सपा को अपनी जीत की सुनिश्चित मुहर लग रही है। 10 फरवरी को होने वाले मतदान में अखिलेश यादव को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जीत की आधारशिला रख दी जाएगी और हिंदू मुस्लिम एजेंडे के विपरीत विकासवादी नीति यानी रोजगार और महंगाई के मुद्दे ही चुनाव का असली एजेंडा होंगे। सवाल, आखिरी एक सवाल, सिंगल। पांच आपने चुनाव अपने संकल्प पत्र में 5 पॉइंट रखे हैं जो पैसे के खर्चे के हैं और खजाना खाली उत्तर प्रदेश का। समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने घोषणा पत्र के अलावा सड़कें बनाई, पुल बनाए, बिजली बनाए। जब समाजवादी सरकार में बजट से कोई कल्पना नहीं कर सकता था 15,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे बन सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि डायल 100 जैसी हजारों करोड़ की व्यवस्था आ सकती है। ब्लूप्रिंट तैयार है, पूरा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और जो रिटायर्ड अधिकारी है उनसे राय मशवरा करने के बाद ये फैसले लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में टोटल मिला के 260 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने जिन दलों के साथ मिलकर 198 जीता था, आपको क्या उम्मीद है? सारे दल आपके साथ हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो दोबारा पलट करके नहीं जीतते हैं लोग, इसलिए पहले चरण से इनका सफाया होगा। गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के पटना गाजीपुर बिहार के बॉर्डर तक पूरा भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मुस्लिम जाट में प्रेम पैदा हो जाएगा, ये भाईचारे का चुनाव है। बहुत धन्यवाद आपके अखिलेश यादव, और तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो उनके उत्तर थे उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि ये चुनाव भाईचारे का है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय था कि उनका ब्लूप्रिंट तैयार है उन पांचों संकल्प पत्रों को पूरा करने के लिए जो उसमें लिखा है उन्होंने कि वो MSP की गारंटी भी देंगे। चूँकि जल्दबाजी बहुत है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत रिग्रस चल रहे हैं और 10 जो तारीख को मतदान होना है उसकी तैयारी भी करनी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय टारगेट में है, खास बात यह है क्योंकि अमित शाह भी इस समय देवबंद में हैं, कल मुजफ्फरनगर में थे, कल ये भी मुजफ्फरनगर में थे, आज योगी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं गाजियाबाद में। देखना ये है कि इसका प्रभाव जहाँ पर योगी आदित्यनाथ आज शाम को मौजूद होंगे और जहाँ पर आज पूरी रिग्रेस फील्डिंग, बाहर बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी वो हम लोगों ने देखा, और उस भीड़ में एक नाराज़गी भी थी कि भीतर घुसने नहीं दिया जा रहा अखिलेश और जयंत चौधरी से मिलने के लिए, और काफ़ी कुछ पत्रकार भी नाराज़ थे कि उनको व्यवस्था ठीक नहीं थी। ये सारे मुद्दे, इन सब बातों को देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि अखिलेश का मुस्कुराता चेहरा ये बता रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव जमने वाला है, बाकी फील्ड में पता चलेगा। मैं हूँ हरिकेश कुमार सिंह, आप देखते रहिए राजपथ TV, सबसे पहले भारत।